चित्रपट चल रहा था, दृश्य बदल रहे थे। इन्हीं दृश्यों से मैंने देखा, मैंने भारत की उत्तर दिशा के किवाड़ों को देखा जो पहली बार गजनी के किले में लगाए गए थे, फिर सियालकोट और भटनेर में लगाए गए, फिर कहरोर और तन्नोटगढ़ में लगाए गए, फिर देरावर और भटिंडा में लगाए गए, फिर लुधरवा और अंत में जैसलमेर में लगाए गए। मैंने उन किवाड़ों को देखा, उनके तालों को देखा, अर्गला और शूलों को देखा, पराक्रमी विजयराज चुंडाला को देखा, साहसी देवराज को देखा, भोज और जैसल को देखा, मूलराज और रतन सिंह के चरण कदमों को बालू रेत पर उभरते देखा, जैसलमेर के किले में मूलराज और रतन सिंह को केसरिया बाना पहने देखा, जौहर की ज्वालाओं को देखा। ज्यों ही वे बुझने लगी, दूधा और तिलोक सिंह ने फिर प्रज्वलित की, तीसरी बार लूणकरण ने उसी अग्नि को अंतकरण में समेट कर तीसरा शाखा किया। बारह बारह वर्षों तक चलने वाले संसार के अद्वितीय घेरों को देखा, यमराज से युद्ध करने के लिए चाचक देव रण यात्रा देखी, मैंने महारावल गढ़सी को देखा, किले को उजड़ते आबाद होते देखा, सुखी भूमि में नर नहारों को पुरुषार्थ के पानी को लहराते देखा, मैंने सतियों को देखा, मानिनी उमादे भटियानी को देखा जिसने जीवन पर्यंत पति मुख न देखकर अंत में पतिव्रत धर्म के लिए पति के शव के साथ अग्नि प्रवेश किया, मैंने महारावल अमर सिंह को रोहड़ी के पास लोमहर्षक युद्ध करते देखा और उसी गांव के पास सतियों की पहाड़ी देखी जिस पर अब भी बुझी हुई ज्वाला धधक रही है और मेरे मुंह से बरबस निकल पड़ा, वहाँ जैसलमेर वहाँ।